आज हम लोग एक ऐसे महान महिला के बारे में समझने वाले हैं जिन्होंने अपना जीवन न सिर्फ संघर्षमय गुजारा बल्कि इस देश को आजादी दिलाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ऐसी महिला का नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, तो वो महिला जिन्होंने देश की आजादी में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उनका नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो आइए शुरू करते हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म आज के तमिलनाडु में हुआ 1914 में, 1914 में। वो बचपन से ही बहुत होशियार थे और हमेशा उनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। तो आज के मद्रास मेडिकल कॉलेज में उन्होंने उस समय एडमिशन लिया और उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई वहां से कंप्लीट की। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद में उनको सिंगापुर से बहुत अच्छी नौकरी की उनके पास एक ऑफर आई। उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया और वो सिंगापुर चली गई। सिंगापुर में जाने के बाद में उनको रियलाइज हुआ, वैसे तो उन्होंने हमारे देश में भी उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करती। सिंगापुर पर भी ब्रिटिश हुकूमत का ही कब्जा था, तो उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में कुछ कर सकूं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने सिंगापुर के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और उसी समय सिंगापुर के अंदर उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से होती। और सुभाष चंद्र बोस के एग्रेसिव नीति को देखते हुए लक्ष्मी सहगल जी ने उनको एक हिदायत दी कि क्यों ना आप एक महिला ब्रिगेड बनाएं। तो लक्ष्मी सहगल वॉज द फर्स्ट वुमन जिन्होंने आजाद हिंद फौज के अंदर एक वुमन रेजिमेंट बनाने की सलाह दी थी। और उनकी ये सलाह उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने उस रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की पहली कर्नल लक्ष्मी सहगल को बना दिया। देखते ही देखते आजाद हिंद फौज की पहली महिला सदस्य भी वही बन गए। और उसके बाद में आजाद हिंद फौज ने देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए और उन कामों में लक्ष्मी सहगल जी का नाम अमर हो गया। उसके बाद वो भारत वापस आती। 1947 में, 1947 में उनके सम्मुख पार्टीशन हुआ और वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ भी थी। और उसके बाद में उनका विवाह प्रेम सहगल से हुआ। प्रेम सहगल जी से विवाह होने के बाद उन्होंने इस देश के अंदर सक्रिय राजनीति में भी अपना पार्टिसिपेशन दिया। वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को समर्थन करती थी। 1970 के समय वो सक्रिय राजनीति में भी रहे। भारत की सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद भी उन्होंने किसी पद को नहीं स्वीकार। उन्होंने गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ती जा रही खाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। उन्होंने नेहरू जी से भी, इंदिरा जी से भी, और ऐसा कहा जाता है राजीव जी के कार्यकाल में भी कई सारे प्रदर्शन किए। और कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की इस देश की जनता को अपलिफ्ट किया जाए, उन लोगों की मदद की जाए। उन्होंने महिला शिक्षा और अखिल भारतीय महिला संघ की कई बार अध्यक्षा भी रह चुकी थी। इस देश की महान विभूति को 1998 में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और 1998 में उनको पद्म विभूषण मिलने के बाद वो कानपुर में अपने रहते घर पर सेटल हो गई। और जैसे एक न एक दिन दुनिया से सभी को रुखसत होना है और वो दिन भी आ गया, 23 जुलाई 2012। तो 23 जुलाई 2012 को कानपुर में अपने रहते घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो इस प्रकार से कैप्टन लक्ष्मी सहगल इन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया, आजाद हिंद फौज के अंदर पहली महिला सदस्य बनकर, और आजाद हिंद फौज के अंदर पहली महिला कर्नल भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ही थे। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। 1.5 पेज का अपना नोट जरूर बनाइएगा और 2 पेज के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।